चलो बच्चों, आज हमने आरोही तथा अवरोही क्रम का ज्ञान हेडिंग लिखा है ना, तो आप लोगों को जो है आरोही तथा अवरोही क्रम बताए ना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। बढ़ते क्रम में जैसे हमने लिखा है 1, 2, 5, 8, 9, 12, ऐसे ही 25, 28 बढ़ते क्रम में, ठीक है, 50, फिर 57, 58 ऐसे ही ना, ये बढ़ते क्रम हुए। ऐसे हमने लिखा है, देखो 2, 5, 1, 3, 4, इसको नैन्सी चलो तुम इसको सही करो, इसको कैसे लिखोगे? हाँ, इसको आपको आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। बहुत अच्छे, क्लैप करो, क्लैप करो तुम। ऐसे ही अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ना समझ में आ गया? मानसी आ गया समझ में? हमने लिखा है, अब इसको सही करो। हाँ हाँ, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे बड़ी क्या है? वेरी गुड, क्लैप करो सब लोग, बहुत अच्छे। अब हम और सवाल दे रहे हैं ना, आप लोगों को करना है, ठीक है। हम यहाँ ऊपर पहुंच जाओगी? नैन्सी चलो चलो, इसको सही करो। इसको आरोही क्रम में एक बार, फिर अवरोही क्रम में एक बार लगाना है ना। पहले आरोही क्रम में लगाओ। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा, छोटा छोटे से बड़ा बोल रहे हैं। सबसे छोटा कौन सा है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्लैप क्लैप। इसको अवरोही क्रम में भी लगाओ चलो। हाँ, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। हाँ, सबसे बड़ा सही से लगाओ। हाँ, अवरोही क्रम में देखते रहो सब लोग। आवाज नहीं बेटा, समझ में आया? क्लैप करो नैन्सी के लिए, बहुत अच्छा। आप कौन लगाएगा? आ गया है, ये लो चलो। इसको लगाओ आरोही, पहले बढ़ते क्रम में लगाओ, छोटे से बड़ा। ए अदिति यहाँ मत खेलो। हाँ, इससे बड़ा क्या है? सही है रुद्र, तुम सही कर रहे हो। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्लैप करो रुद्र के लिए। तीन नहीं होगा लास्ट बेटा, हो गया ना, आठ हो गया ना, आठ ही सबसे बड़ा था। अब छोटे से बड़ा करो, बड़े से छोटा, और वही। हाँ, बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करो। अदिति अल्लाह मत करो, पढ़ा रहे हैं ना। रुद्र के समझ में आ गया, क्लैप करो इनके लिए रुद्र। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप कौन करेगा?